फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लेकर आई हूं, जो कि आपके एचआर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आप आगे जाके कहीं जॉब करते हैं तो तब भी आपको ये टर्म्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म है मून लाइटिंग। व्हाट इज द मून लाइटिंग? इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार बन चुके हैं। सो गाइज, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक इम्प्लॉई, वो अपनी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करता है, अपनी प्राइमरी जॉब जब करता है, तो प्राइमरी जॉब से उसको जितनी इनकम हो रही है, समटाइम इट्स हैपन कि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ही वॉन्ट समथिंग एक्स्ट्रा, तो उसके चलते वो एक सेकेंड जॉब भी करता है, वो अपने नॉर्मल आर्स से अलग हटके एक सेकेंड जॉब भी करता है। तो दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एज अ मून लाइटिंग, कि वो एक समय पर दो जॉब कर रहा है। ठीक है, एक समय से मतलब है कि जैसे आज के दिन में उसने दो जॉब की है, एक उसका नॉर्मल 9 to 5 वाली जॉब की हुई है और एक वो इवनिंग में जॉब करता है, उसे कहा जाता है मून लाइटिंग। अब कंडीशन यहां पर ये आती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको रेस्ट्रिक्टेड करती है कि अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, कुछ लॉ बने हुए हैं कि अगर आप इसको मून लाइटिंग बेसिकली इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, दिन में अपनी नॉर्मल जॉब यानी कि प्राइमरी जॉब करते हैं, लेकिन रात के समय पर वो अपना एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, तो रात के समय पर करने की वजह से इसको मून लाइटिंग नाम दिया गया था। और तो अभी जो अगर देखा जाए तो टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, जो डे शिफ्ट करता है वो नाइट शिफ्ट करता है एक्स्ट्रा में, जो नाइट शिफ्ट करता है वो डे में भी कर सकता है। लेकिन पता है क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन अगर देखी जाए, है ना, पहली चीज तो आप ये भी समझ लीजिए इसके लिए कुछ लॉज भी बने हुए हैं, उन लॉ को फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे एक चीज यहां पर क्लियरली मेंशन है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बताकर करेंगे, ठीक है, और दूसरा आप सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे जिससे कि आप उसके सीक्रेट जो है वो दूसरी जगह ना बता दें, इसका डर खत्म हो जाए, तो इसलिए यहां पर इस तरह की चीजें बोली जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे एक बंदा बैंक में जॉब करता है बट उसको कुछ एडिशनल इनकम चाहिए, तो वो अपने घर पे कोचिंग क्लासेस पढ़ाता है शाम के टाइम पर, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मून लाइटिंग। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है, वो ये है कि अभी करंट सिचुएशन अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से लोग वर्क फ्रॉम होम का गलत फायदा उठा रहे हैं, वो अपने प्राइमरी जॉब टाइमिंग में भी सेकेंडरी जॉब कर रहे हैं, जिसकी वजह से मून लाइटिंग का गलत फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा कई सारी रिसर्च के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया गया है। सो दिस इज द मून लाइटिंग। नाउ द सेकेंड टर्म इज बंपिंग। यस, सेकेंड टर्म इज बंपिंग। व्हाट इज द बंपिंग? एक्चुअली बंपिंग जो है वो एक तरह का राइट या प्रिविलेज होता है जो कि सुपर सीनियर पर्सन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं उनको दिया जाता है। ये उस कंडीशन में दिया जाता है जब भी लेआउट की या एलिमिनेशन की कंडीशन आती है और उन सीनियर पर्सन का नाम उस लिस्ट में होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो टैलेंटेड पूल को रोकने के लिए भी इस तरह की मैथड को यूज किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर। इस तरह के मैथड्स में उन पर्सन्स को जो कि टैलेंटेड पर्सन्स हैं या फिर जो सुपर सीनियर पोजीशन पर जो पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स को एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव पोजीशंस प्रोवाइड की जाती है ना, एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको मे बी पॉसिबल कि एक जूनियर लेवल की पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, तो जूनियर लेवल की पोजीशन आपको यहां पर एज अ अल्टरनेटिव दी जाती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बंपिंग। ओके, इस प्रोसेस को बंपिंग कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि बंपिंग का राइट या बंपिंग प्रिविलेज एम्प्लॉयर के लिए भी एक बहुत ही बेनिफिट होता है, जिससे वो अपने जो करंट टैलेंट है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लंबे समय तक रोक के रख सकता है, उन लोगों को जिनको ले ऑफ और एलिमिनेशन की लिस्ट में नाम आया हुआ है बट वो सुपर सीनियर पोजिशन पर है, तो इस कारण उनको ये बेनिफिट मिल जाता है। एक ड्रॉबैक भी है कि जब आपको किसी जूनियर लेवल पर पोजीशन दी जाती है किसी इंप्लॉई को, है ना, जब बंपिंग राइट के थ्रू, तो उस केस में समटाइम्स इट्स हैपन कि उस पोजीशन पर ऑलरेडी कोई बंदा जो कि लाइक जूनियर है और वो जो बंदा है वो लाइक बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन में, उसका लिस्ट में नाम नहीं है, बट तब भी उस पर्सन को उसकी जगह पर कई बार ले ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी देखा जाए तो एम्प्लॉयर के लिए ये बेनिफिट इसलिए हो जाता है कि बंपिंग की मदद से वो एम्प्लॉय जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो सीनियर लेवल पर मौजूद है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू ले ऑफ या ड्यू टू एलिमिनेशन, तो उस केस में वो उन एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा सा जस्टिस कर लेता है बंपिंग राइट के थ्रू। सो दिस इज दी टू टर्म्स, बंपिंग एंड दी मून लाइटिंग। ऑल द बेस्ट। लाइक द वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।